सरगुजा पुलिस के ट्रैफिक क्षेत्र में जो है वो लगातार प्रयास करती रही है। वर्तमान में रायपुर से जो है पास्ट ट्रैफिक बूथ हमको मिला है, जिसको कि नगर के जो मुख्य चौक चौराहा है वहाँ पे लगाया जाएगा। कई बार ये देखा जाता है कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो लगातार धूप में और पानी में अकेले रह करके काम करती है ट्रैफिक बूथ आने से जिले की जो यातायात व्यवस्था है वो और अधिक सुगम और उसमें नियंत्रण किया जा सकेगा। साथ ही साथ जो ट्रैफिक पुलिस है उनको बेहतर सुविधाएँ मिलेंगी। सर, ट्रैफिक पुलिस बूथ लगाए जा रहे हैं उसमें जागरूकता ही फैलाया जा रहा है यातायात के नियमों को लेकर, या फिर जो नंबर होते हैं और वो भी इंक्लूड किया जा रहा है उनमें कुछ हेल्पलाइन नंबर और ट्रैफिक के जो अवेयरनेस की जो चीज़ें रहती हैं उसमें उसमें लिखाई गई हैं, ताकि जो आसपास से गुजरने वाले जितने यात्री हैं वो उन चीज़ों को पढ़ सकें और यातायात जो है नियमों का पालन कर सकें। लोगों को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, हेलमेट पहन के चलना चाहिए, कार में सीट बेल्ट लगाना चाहिए, तीन सवारी नहीं चलना चाहिए और स्वयं की सुरक्षा करते हुए यातायात नियमों का अधिक से अधिक पालन करना चाहिए। सरगुजा पुलिस के ट्रैफिक क्षेत्र में जो है वो लगातार प्रयास करती रही है। वर्तमान में रायपुर से जो है पास्ट ट्रैफिक बूथ हमको मिला है, जिसको कि नगर के जो मुख्य चौक चौराहा है वहाँ पे लगाया जाएगा। कई बार ये देखा जाता है कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो लगातार धूप में और पानी में अकेले रह करके काम करती है ट्रैफिक बूथ आने से जिले की जो यातायात व्यवस्था है वो और अधिक सुगम और उसमें नियंत्रण किया जा सकेगा। साथ ही साथ जो ट्रैफिक पुलिस है उनको बेहतर सुविधाएँ मिलेंगी। सर, ट्रैफिक पुलिस बूथ लगाए जा रहे हैं उसमें जागरूकता ही फैलाया जा रहा है यातायात के नियमों को लेकर, या फिर जो नंबर होते हैं और वो भी इंक्लूड किया जा रहा है उनमें कुछ हेल्पलाइन नंबर और ट्रैफिक के जो अवेयरनेस की जो चीज़ें रहती हैं उसमें उसमें लिखाई गई हैं, ताकि जो आसपास से गुजरने वाले जितने यात्री हैं वो उन चीज़ों को पढ़ सकें और यातायात जो है नियमों का पालन कर सकें। लोगों को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, हेलमेट पहन के चलना चाहिए, कार में सीट बेल्ट लगाना चाहिए, तीन सवारी नहीं चलना चाहिए और स्वयं की सुरक्षा करते हुए यातायात नियमों का अधिक से अधिक पालन करना चाहिए।